एवरी वन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आलू वाली बहुत ही टेस्टी एक सैंडविच बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप ब्रेकफास्ट में ज़रूर बनाएं। गाइस, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। लंच में दें उन्हें और काफ़ी आसान तरीके से तैयार भी हो जाती है। सुबह में जब हम काफ़ी जल्दी में होते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही अच्छी है, ताकि आप फटाफट से सुबह का ब्रेकफास्ट बिना झंझट के तैयार कर लें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ और जानते हैं इस प्यारी सी रेसिपी का राज। तो इस टेस्टी सी सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ब्रेड। मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, जिन्हें 20 से डिवाइड कर दिया है। और मैंने यहाँ पे दो अंडे ले लिए हैं, जिसे फोड़ कर निकाल लिया है। दो आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैश कर लिया है। और मैंने यहाँ पे ले लिया है शिमला मिर्च। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट दिया है। और मैंने यहाँ पे ले लिया है हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च ले ली है, जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। और ले लिया है धनिया का पत्ता, उसे भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम सैंडविच में यूज़ करने वाले हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल आसान सी रेसिपी को बना लेना। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में 2 अंडे ले लिए हैं और उसमें डाल दिया है कॉर्न फ्लावर। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर डाल दिया है। कॉर्नफ्लावर हमें इसलिए डालना है ताकि जब हम सैंडविच बनाएं तो वो बिल्कुल आसानी से कोट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाल दिया है अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट। अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल दी है और डाल दिया है धनिया पत्ता। इन सब चीज़ों को डालने के बाद में हमें इसमें थोड़ा सा पानी मिला देना है। और पानी मिलाने के बाद में हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। बहुत ही ज़्यादा पानी ना मिलाएं, आपने जितना इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है उसी के हिसाब से ही पानी मिलाएं, बिल्कुल भी पतला ना करें। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक। नमक को डालने के बाद में हमें इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से फेंट लेना है, जिस तरीके से हम ऑमलेट बनाते हैं बस उसी तरीके से। बस इसका ध्यान रखें कि इसे बहुत ज़्यादा पतला ना रखें, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऑमलेट जितनी होनी चाहिए। तो एक हमारा तैयार हो चुका है, अब मैं यहाँ पे आलू को रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने आलू में पहले से नमक डाल दिया है, उसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। इसके साथ ही हमें इसमें डाल देना है 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी टैंगी हो जाता है गाइस। तो चलिए इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, काफ़ी आसानी के साथ ये भी मिक्स हो जाता है। ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया, तो आलू भी हमारा रेडी हो चुका है। तो देखिए जिस तरीके से हम सैंडविच तैयार करते हैं उसी तरीके से हमें अपनी स्टफिंग ब्रेड्स के अंदर में रख देनी है और उसे ऊपर से इस तरीके से कवर कर देना है, जिस तरीके से नॉर्मली हम सैंडविच बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने ब्रेड्स के अंदर अपनी स्टफिंग रख करके इसे कवर कर दिया है। तो हमारी जो सैंडविच है वो रेडी हो चुकी है बिल्कुल पकने के लिए। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है एक पैन गैस के ऊपर, उसमें इस तरीके से रिफाइंड ऑयल स्प्रेड कर दें। बहुत भी ज़्यादा ऑयल आपको नहीं डालने की ज़रूरत है, बिल्कुल कम ऑयल में ये तैयार हो जाता है। तो अब हमें अपनी सैंडविच को इसमें रख देना है इस तरीके से। सैंडविच रखने के बाद में आपको फटाफट से अपने बैटर को इसके ऊपर में डालना है, जिस आमलेट को मैंने तैयार किया था कॉर्नफ्लावर के साथ, उसे आपको इस तरीके से ऊपर में डाल देना है, ये देखिए, ताकि ये बिल्कुल कवर हो जाए। तो ये देखिए ये नीचे से पूरा पक चुका है। तो चलिए इसे पलट कर दिखाते हैं, ये देखिए काफ़ी क्रंची काफ़ी टेस्टी हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसकी स्टफिंग जो है वो आलू वाली है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस। तो इसे दबाते हुए हमें पका लेना है, और जैसे ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा मैं इसे निकाल लूँगी। तो सैंडविच हमारा गर्मा गर्म रेडी हो चुका है, काफ़ी टेस्टी। तो सेम प्रोसेस के साथ मैं सारे सैंडविच को बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी आसान सी रेसिपी है। आपको इसे उसमें डिप नहीं करना है अपने बैटर में, बस इस तरीके से सैंडविच को रख देना है पैन में और उसके ऊपर में इस तरीके से अपने बैटर को डाल देना है, यानी कि ऑमलेट को।
तो इसे हमें थोड़ा सा नीचे से भी क्रिस्पी होने देना है गाइस। फ्लेम अपना बिल्कुल मीडियम रखें, बिल्कुल भी हाई ना करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सीख लिया होगा कि एक सैंडविच बिल्कुल आलू वाली आपको किस तरीके से बनानी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही गर्मा गर्म हमारा जो सैंडविच है वो रेडी हो चुका है और काफ़ी टेस्टी है। आपकी बिल्कुल भूख मिटा देगा ये सैंडविच। तो जब भी आपको भूख लगे इस तरीके से बनाएं और बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी सा आमलेट सैंडविच ज़रूर खाएं गाइस, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सैंडविच के ऊपर मैंने थोड़ा सा प्याज डाल दिया है, ऐसे गार्निश कर दिया ताकि इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आ जाए। और मैंने यहाँ पे टमाटो सॉस लगा दिया है इसके ऊपर में, और थोड़ा सा धनिया पत्ता हमें इसके ऊपर में डाल देना है। अब हमारा जो एक सैंडविच है बिल्कुल आलू वाला बहुत ही अच्छा और टेस्टी सा तैयार हो चुका है गाइस। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, फटाफट इसे बनाएं और बिल्कुल इंजॉय करें। काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यम्मी हमारा जो सैंडविच है वो बिल्कुल 10 मिनट में रेडी हो जाता है। तो बिल्कुल इस नए तरीके के सैंडविच को घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इसे किस तरीके से बनाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ईजली मिल जाएगी। तब मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी और बिल्कुल घरेलू सी रेसिपी को लेकर के। टिल देन, बाय बाय गाइज़।